अभी हम लोग आज वाले एपिसोड में देखेंगे कि ट्रिक्स जो टैग्स हम बनाते हैं क्वेश्चन टैग्स इंग्लिश में, इसके प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं वो बेसिक रूल था। अभी हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, कैसे क्वेश्चन टैग को हम ट्रिक के हिसाब से बनाएंगे, ट्रिक को हमें याद रखना, वो सारे ट्रिक्स हम लोग देखेंगे अभी, राइट। इसको मैं दो पार्ट में कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैं एक वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा ट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक स्टार्ट्स इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद आई एम। जब सेंटेंस आई एम से चालू होता है या फिर आई एम नॉट से, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे? उसका क्वेश्चन टैग कुछ ऐसे बनेगा, जब भी आई एम होगा तो उसका क्वेश्चन टैग होगा आरंट। आरंट आई का तो आई ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो एम है, एम यहाँ पे आरंट आ जाएगा, मतलब आई एम रहेगा तो हमेशा आरंट आई करके लगा रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। जिस ट्रिक से मैं पहले वाले वीडियो बनाया उसके हिसाब से एमेंट आई होना चाहिए, एम नॉट आई होना चाहिए, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो आरंट आई होगा। दूसरा आई एम नॉट, जब आई एम नॉट से चालू हुआ है तो एम नॉट रहेगा तो एम आई होगा। याद रखना, जब पॉजिटिव सेंटेंस है एम वाला आई एम तो अरेंट आई होगा, राइट, उसका क्वेश्चन टैग। जब नेगेटिव सेंटेंस होगा एम नॉट वाला, आई एम नॉट, तो उसमें अरेंट नहीं होगा, एम आई होगा। ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोनों का एक एक एग्जाम्पल। आई एम श्योर, आई एम श्योर, आई एम श्योर, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे नॉट नहीं है, यानी ये वाला ट्रिक यहाँ पे काम करेगा। तो aren't, aren't I, ठीक है। second है, I am not रहेगा तो am I करके आपका क्वेश्चन टैग होगा। तो यहाँ पे I am not sure, I am not sure, तो इसका क्या होगा, am I। Let us move to the second trick, दूसरा ट्रिक है कि जब भी सेंटेंस दिस या दैट से चालू होगा, दिस दैट से सेंटेंस जब चालू होगा, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट हम लास्ट में रखते हैं क्वेश्चन टैग में वो रहेगा इट। वो क्या सब्जेक्ट रखेंगे हम? इट रखेंगे, ये चीज याद रखना। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दैट। तो यहाँ पे जो हम सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इज के साथ तो नॉट नहीं है ना, ये वर्ब है ना, तो वर्ब के साथ इधर नॉट लगा देंगे, इज का हो जाएगा इजंट, ठीक है। और ये सब्जेक्ट दैट है, तो दैट के लिए मैंने क्या बताया, दिस दैट आएगा तो उसके लिए सब्जेक्ट लास्ट में क्या लगाओगे? इट लगाओगे। ये हो गया क्वेश्चन टैग। चलो आगे, दीज एंड दोज, वही सिंगुलर, दिस एंड दैट सिंगुलर होता है इसलिए इट आया सब्जेक्ट, दीज एंड दोज प्लूरल के लिए होता है इसलिए दीज एंड दोज प्लूरल है, तो डेफिनेटली उसके लिए सब्जेक्ट क्या लास्ट में आएगा? दे आएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, दीज आर माई कार्स, ये सारी मेरी कारें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दीज आर है, आर प्लूरल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे नॉट तो है नहीं। स्टेटमेंट जब पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा दिया हूं। तो ये होगा आरेंट, और सब्जेक्ट क्या लगाने के लिए मैंने बोला, ये देखो, दीज एंड दोज के लिए क्या सब्जेक्ट रखा हूं? दे, तो यहाँ पे आरेंट दे हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, अभी ट्रिक नंबर थ्री, थर्ड ट्रिक क्या कहता है क्वेश्चन टैग सीखने का या बनाने का, कि जब भी आपको वर्ब का फर्स्ट पर्सन दिखे, सॉरी मैं पर्सन बोल दिया हूं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेना? एच बी, हेल्पिंग वर्ब डू लेना, ठीक है। और वर्ब का एस और ईएस फॉर्म दिखे, मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस कहीं लगा हुआ दिखे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेना? डज लेना, क्या? डज, ठीक है। और जब हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखे, जैसे कि राइट का रोट, सिंग का सैंग, ईट का एट, सिट का सैट, गो का वेंट, अगर सेकेंड फॉर्म दिखे, दूसरा नंबर का फॉर्म, तो उसे हम, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम डेट लेते हैं। ये तीनों चीज अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, आपको यह हमेशा काम देने वाला है। और एक चीज और याद रखना है कि इनके साथ, डू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जहां पे डज दिखेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना उसके साथ, जहां पे डिड दिखा उसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये चीज रिकॉर्ड कर लेना, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना। लेट अस स्टार्ट। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब में एस और ईएस हो तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है? डज, ठीक है।
तो डज यहां पे ले लिया है ना। अब तो सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव हो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है जब हम टैग बनाएंगे। तो चलो देखते हैं यहां पे, शी एनकरेजेस अस, एनकरेज में एस और यस लगा हुआ है, एनकरेज में क्या लगा हुआ है, एस और यस। तो जब वर्ब में एस और यस लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, डस। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव है तो हम टैग को नेगेटिव बना देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब डस है तो इसका हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा डज नॉट यानी डजंट हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं, याद रखना डजंट, और सब्जेक्ट क्या है, शी। तो यहां पे ये सब्जेक्ट यहां पे चलाएगा, डजंट शी, ठीक है। चलो आगे चलते, जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, डू। तो लेट अस चेक इट आउट, डू रखेंगे तो यहां पे दे हेल्प, हेल्प क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, तो हेल्प में एस और यस लगा है, एस और यस यहां पे लग जाता तो मैं डज हेल्पिंग वर्ब लेता, लेकिन लगा नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है ना, एस और यस नहीं है तो इसलिए डू ले लूंगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मैं डू को मैं डोंट में कन्वर्ट कर दूंगा, नेगेटिव बना दूंगा, ठीक है, डोंट। और दे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो तीसरा तीसरा पार्ट, ट्रिक थ्री में तीसरा वाला क्या कहता है इसमें, कि जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखे, जैसे रोड, रेड, टॉट, थॉट है ना, वेंट, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, थ्री फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होते हैं, तीन फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो ये इसकी बात की, दूसरा नंबर का, ये सिंपल पास्ट टेंस में ये दूसरा नंबर का वर्ब यूज होता है, ठीक है। जैसे वैसे ही वॉक, वॉक्ड, 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 तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर का वर्ब है इसकी बात किया, जब भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लोगे, आप हेल्पिंग वर्ब डिड लोगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या देगा, डिड देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिड लूंगा, अब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राई का होता है सेकेंड फॉर्म, ट्राइड है ना, ट्राइड, ईडी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस तो मैं टैग नेगेटिव बनाऊंगा, तो डिड हेल्पिंग वर्ब दिया तो डिडंट, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैं नॉट लगा दिया, डिडंट, और इस सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, डिडंट ही, ठीक है। ओके चलो अभी ट्रिक नंबर फोर देखते हैं, देयर, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जब भी देयर दिखे, अगर स्टेटमेंट देयर दिखता है तो जो सब्जेक्ट हम क्वेश्चन टैग में रखेंगे वो भी देयर ही होगा, यानी एग्जाम्पल देयर इज सम इश्यू, कुछ तो मुद्दा है, कुछ तो बात है ना, तो देयर इज सम इश्यू। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट देयर है तो इसको हम लास्ट में देयर ही रखेंगे, लेकिन सेंटेंस क्या है, ये अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, नो, नॉट, नेवर, नाइदर है ही नहीं। इसका मतलब कि मैंने ट्रिक बताया कि जब पॉजिटिव सेंटेंस तो टैग नेगेटिव बनेगा, यानी इज इधर है तो यहाँ पे इजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजेंट, और ये देयर यहाँ पे चलाएगा, देयर कहाँ पे चलाएगा, ये सब्जेक्ट की जगह पे चलाएगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वहां पे चलाएगा। तो एक चीज याद रखना, जब भी सब्जेक्ट में देयर हो तो देयर का सब्जेक्ट एंड में देयर ही होता है, याद रखना। चलो आगे ट्रिक नंबर फाइव क्या कहता है, एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग, ये चीज कभी देखेगा, एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग नथिंग, तो इसके लिए सब्जेक्ट हम इट रखते हैं, कौन सा सब्जेक्ट रखते हैं, इसके लिए एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग के लिए सब्जेक्ट हम लास्ट में क्वेश्चन टैग में इट रखेंगे। चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल, समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो गायब है, कुछ तो भूल रहे हैं, कुछ तो मिसिंग है, तो यहाँ पे इज नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर टैग को नेगेटिव बना दो तो इसके साथ नॉट लगा दो, isn't, isn't और something, something के लिए it आएगा subject, ठीक है, ये रहा। Next, last one, trick six. इसके बाद भी हम trick देखेंगे, ठीक है, इसके बाद भी है तो ये last नहीं बोल सकते, trick six. Trick six क्या बोलता है कि everybody, somebody, nobody, anybody, ये जो इतना जो it means pronouns दिख रहे हैं, sorry, हाँ pronouns दिख रहे हैं, इसको हम एक तरीके से स्पेशल प्रोनाउन बोलते हैं, उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, तो इसको हम आगे सीधे देख लेते हैं, ठीक है। इसके स्पेशल प्रोनाउन के मैंने अलग वीडियो बनाया है तो वो मैं ज्यादा इलोंगेट नहीं करूंगा, शॉर्ट में ये सब खत्म करना चाहूंगा, ठीक है।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब ये टोटल 8 वर्ड्स के लिए हमेशा ये सब्जेक्ट दे आता है। कौन कौन से वर्ड्स है वो? एवरीबडी के लिए भी दे आएगा, समबडी जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तभी भी दे आएगा, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, नन, समवन, एवरीवन। तो क्वेश्चन टैग बनाओ तो लास्ट में सब्जेक्ट क्या रखेंगे? इस वर्ड्स के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए दे रखेंगे। क्या रखेंगे? दे रखेंगे। ठीक है, समबडी कॉल्ड मी लास्ट डे, समबडी कॉल्ड मी लास्ट डे। तो समबडी, तो समबडी के लिए हम क्या रखेंगे? समबडी के लिए हम दे रखेंगे। और उसके दूसरा हम देखेंगे कि ये वर्ब क्या है। वर्ब सेकंड फॉर्म है, मैंने अभी बताया कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? डिड लेंगे। तो ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब डिड के साथ नॉट लगा दो, डिडंट। भाई पॉजिटिव सेंटेंस हो तो मैं जो टैग बनाऊंगा नेगेटिव बनाऊंगा, डिडंट। और सब्जेक्ट क्या रहेगा? समबडी के लिए क्या रहेगा? दे। ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आई थिंक आपको क्वेश्चन टैग के ये ट्रिक जरूर समझ में आ रहे हैं आपको। तो अभी देखते हैं जो आगे का ट्रिक है। हमने 6 ट्रिक देखा, अब हम 7th ट्रिक देखेंगे। 7th ट्रिक देखने से पहले हम लोग एक अदर टाइप का जो सेंटेंस है उसका टैग कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन टैग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। अब आप बोलोगे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, इसके बारे में भी मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, यही टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे सेंटेंस बनता है वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, इसमें सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म चालू होता है, ऑब्जेक्ट से एंड होता है और फुल स्टॉप पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म चालू होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे होता है? डोंट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कहीं नहीं आता, इंपेरेटिव में सब्जेक्ट कभी नहीं आता। जैसे खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, तो सब्जेक्ट कहां लगाया इसमें? गो नाउ, अभी चले जाओ। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, किसमें? इंपेरेटिव में। हाँ, सब्जेक्ट हेडर होता है लेकिन दिखता नहीं है। वो किसमें यूज करने की जरूरत पड़ती है? वो है पैसिव वॉइस में, जब इसका बनाते हैं तब, इंपेरेटिव का पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव, तब उसमें यू को, गड़े मुर्दे को उखाड़ने की जरूरत पड़ती है। चलो आगे, ये मैंने फॉर्मेट बता दिया इंपेरेटिव सेंटेंस का। फॉर्मेट क्या होगा? वो आपके फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप से एंड होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में जब भी तुम्हें देखे तो हमेशा अगर अफर्मेटिव है तो इसका वोंट यू बनेगा। वोंट यू क्या होता है आप पूछोगे, तो विल और नॉट को जब जोड़ेंगे शॉर्ट में तो इसी को बोलते हैं वोंट। क्या होते हैं? वोंट, याद रखना। तो जब भी फर्स्ट फॉर्म दिया और ऑब्जेक्ट हो, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, मतलब नॉट ना हो, जब इंपेरेटिव नेगेटिव में नहीं होता है यानी पॉजिटिव में होता है तब वोंट यू आएगा, राइट। क्वेश्चन टैग क्या रखेंगे? वोंट यू। जब नेगेटिव हो जाएगा तब नॉट को हटा देंगे, तो नॉट को हटा दे तो विल बचा, तो यहाँ पे विल यू आ जाएगा, ठीक है। डोंट से अगर चालू हुआ तो विल यू, अगर डू नॉट नहीं है फर्स्ट फॉर्म से चालू हुआ, मतलब कि इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, याद रखना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, मतलब एक तरीके से ऑर्डर है। तो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हम ये तरीका जो यहाँ पता है उसी को इस्तेमाल कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब कि यहाँ पे वोंट यू आएगा। क्या आएगा? वोंट यू, ठीक है। यू क्यों आया? अब पूछोगे यू क्यों आया? भाई इंपेरेटिव में हमेशा यू छिपा रहता है। जब भी हम किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं तो सामने वाले को देते हैं, सामने वाला कौन होता है? यू होता है। यू मतलब सामने, जब मैं बोल रहा हूं कुछ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, मतलब बोलने वाला स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है ना। मैं जो भी बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो। मैं अपने लिए आई यूज करूंगा, है ना, मैं आपके लिए यू यूज करूंगा, तो मैं फर्स्ट पर्सन एंड यू सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। जब भी हम किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड अगर देते हैं तो वो सामने वाले का, सामने वाला मतलब यू, तो इसीलिए यहाँ पे इंपेरेटिव में सब्जेक्ट क्या आया है? लास्ट में यू आया है। चलो नेगेटिव अगर सेंटेंस डोंट से चालू हो तो क्या करेंगे? तब यहाँ पे विल यू कर देंगे। तो ये डोंट टीच मी, मेरे को सिखाओ मत, मुझे पढ़ाओ मत, बहुत पढ़ा लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल यू।
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन टाइप इंपरेटिव का हमने सीख लिया है. जब भी इंपरेटिव का ऐसे आएगा फर्स्ट फॉर्म से चालू हुआ है फर्स्ट ऑफ से एंड हुआ है तो उसका इंपरेटिव वोंट यू से, जब नेगेटिव से चालू हुआ है डोंट से और फुल स्टॉप है तो उसका होगा विल यू. और तीसरा सॉरी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ट्रिक नंबर सेवन. ट्रिक नंबर सेवन क्या कहता है कि जब भी सेंटेंस लेट्स से चालू हो, किससे, लेट्स से. लेट्स का मतलब क्या होता है, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, लेट अस. अब भाई लेट्स के हिसाब से हम लास्ट में सब्जेक्ट रखेंगे ना, ठीक है. तो अस का मतलब ये सॉरी आई मी माय, ठीक है, वी अस अवर. ये केस मैंने बताया सब्जेक्टिव केस पजेसिव केस, ये तीन केस आते हैं, ठीक है. तो हमें कौन सा केस रखना है, सब्जेक्टिव केस. तो अस का सब्जेक्टिव केस रख दो यहाँ पे, तो लेट्स है तो अस के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रखेंगे, वी रखेंगे, जैसे कि यहां बताया राइट. वी क्यों आया, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव केस है. किसका ऑब्जेक्टिव केस है, वी का है, तो इसी को सब्जेक्ट में बदल दो वी आ जाएगा. तो लेट्स जब भी दिखे तो शैल वी लगाओगे. अगर लेट्स नहीं है, अगर ये अस की जगह कुछ और प्रोनाउन दिया हो जैसे हिम हर देम इट, अगर दूसरे प्रोनाउंस देखे लेट के बाद तो आप वहां पे विल यू लगाओगे. अब क्यों लगाओगे, क्योंकि बाकी सब प्रोनाउन के साथ विल आता है लेकिन वी के साथ हमेशा शैल आता है, याद रखना, ठीक है. वी के साथ क्या आता है, शैल आता है. तो इसलिए विल सॉरी बाकी प्रोनाउन के साथ, लेट के साथ बाकी प्रोनाउन है, लेट हिम गो, लेट हिम रीड, लेट देम राइट, लेट इट गो, इसे जाने दो, ठीक है. तो जब भी ऐसे आएगा दूसरा प्रोनाउन अस के सिवाय तो विल यू, अगर यहां लेट्स आएगा, लेट अस आएगा तो हमेशा शैल बी लगाओगे. चलो देखते हैं, लेट्स प्ले फुटबॉल. लेट्स आ गया तो आंख बंद मत करना, खोल के, है ना. शैल वी आ जाएगा, ठीक है. शैल क्यों लगाया, क्योंकि ये यहाँ पे अस है, अस का सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो वी होता है, उसके तहत वी के साथ विल नहीं आता है, शैल आता है. चलो आगे देखते हैं, लेट के साथ अदर प्रोनाउंस है ना, लेट के साथ अस के सिवाय दूसरे प्रोनाउन है तो विल यू आएगा. क्या आएगा, विल यू आएगा, याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट, ये इंपरेटिव है, याद रखना. ये जो अभी इंपरेटिव देखे ना, विल यू क्यों आया, क्योंकि ये वाला पार्ट इंपरेटिव है, दूसरा प्रोनाउन है तो वो इंपरेटिव हो जाता है. अगर लेट अस है तो ये सजेशन है, स्पेशल सजेशन या प्रपोजल है, याद रखना. सजेशन प्रपोजल के शैल भी अगर इंपरेटिव है तो विल यू आ जाएगा, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर एट. अब हम देखेंगे ट्रिक नंबर एट कि ट्रिक नंबर एट क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, हम में से सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग तो मोस्ट ऑफ अस, ऑल ऑफ अस मतलब हम सब लोग तो ऑल ऑफ अस, हम सब के सब तो ऑल ऑफ अस, तो मोस्ट ऑफ अस हम में से ज्यादा लोग, ऑल ऑफ यू आप सब लोग, आप में से सब लोग, मोस्ट ऑफ यू आप में से करीब करीब सब लोग, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आप में से ज्यादा लोग, ऑल ऑफ देम वे सब लोग, उनमें से सब लोग, है ना, मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज्यादा लोग. जब भी अगर ऐसे दिखाए, अस अगर आता है तो उसके लिए सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट लास्ट में वी रखेंगे, यू आता है तो उसके लिए सब्जेक्ट हम यू रखेंगे, देम आता है तो उसके लिए सब्जेक्ट दे रखेंगे, याद रखना. अब देम ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो इसका मैंने सब्जेक्टिव केस बना दिया, क्यों, क्योंकि केस इसका ऐसे चलता है, दे देम दियर, ठीक है. तो ये मैंने देम को मैंने सब्जेक्टिव केस में बदल दिया, जैसे कि अस को मैंने वी बना दिया, वैसे देम को दे बना दिया, यहाँ पे देव को मैंने दे बना दिया, ठीक है. ये आपको ट्रिक याद रखना है, जब भी अस आएगा तो उसके लिए सब्जेक्ट वी बनाएंगे. एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस, हम में से सब लोग, ऑल ऑफ अस विल गो ऑन ट्रिप इन समर, समर के सीजन में हम सब लोग, हम में से सब लोग कहाँ पे जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, है ना. तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ अस है, यहाँ पे अस दिया है तो अस के लिए वी आएगा लास्ट में सब्जेक्ट, और बाकी विल है, विल गो. तो मैंने क्या बताया था, विल विल यहाँ पे नेगेटिव में नहीं है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है. ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये तो पता है, जग जाहिर है. तो इसमें विल के साथ नॉट लगा दो, विल के साथ नॉट लगाओ तो क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे वोंट, वोंट, फिर सब्जेक्ट क्या होगा, अस को दे सॉरी अस को वी में बदलोगे. मैंने अब भी बताया कि जब अस रहेगा तो कैसे बदलोगे उसको, सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन टैग में वी आ जाएगा. चलो आगे,
मोस्ट ऑफ देम कैन डू इट इजिली, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों में से इसे आसानी से कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम रहेगा तो सब्जेक्ट में क्या बनाऊंगा, देम रहेगा तो सब्जेक्ट में दे बनाने वाला हूं लास्ट में, ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। तो कैन है, कैन डू, इसमें नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है कहीं, इस सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि कैन नॉट, कैन को नेगेटिव बना दो, कांट, कांट है ना, कांट, फिर देम का हो जाएगा दे, कांट दे, कांट दे। और लास्ट ट्रिक है, ये है सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, नोबडी, नेवर, नाइदर, फ्यू, लिटल, नन, नथिंग, नेवर, हार्डली। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे ऐसे वर्ड है जो जब भी इनका इस्तेमाल होता है इसका मतलब ना के बराबर है ना, जैसे कि फ्यू स्टूडेंट्स हैज कम, हैव कम, कम ही स्टूडेंट आए, मतलब कि ना के बराबर बच्चे आए हैं, जब इन सबका मीनिंग ना के बराबर होता है, कम होता है, राइट, तो इसका जो सेंटेंस का जो टैग बना हुआ, क्वेश्चन टैग, वो हमेशा पॉजिटिव टैग होगा, मतलब नॉट कभी लगता नहीं है, कब, जब सेंटेंस में स्टेटमेंट में क्या दिया हो, सेल्डम, रेयरली, सेल्डम मतलब कि शायद ही, जैसे कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, मतलब कि एक भौंकता कुत्ता बहुत कम ही काटता है या फिर ना के बराबर काटता है, ना के बराबर हो गया सेल्डम का मतलब, इसका मतलब कि नेगेटिव हो गया, ठीक है, ना के बराबर मतलब कि नेगेटिव हो गया, तो इसका जो टैग बनाओगे नॉट नहीं लगाओगे तुम, ठीक है, ये पहले ही नेगेटिव हो गया है सेंटेंस के अंदर ही, नोबडी, रेयरली, नेवर, कभी नहीं, नाइदर, ये भी नेगेटिव वर्ड है, नाइदर है ना, फिर फ्यू, लिटल, लिटल मतलब थोड़ा सा, थोड़ा मतलब ना के बराबर, जब भी ऐसे वर्ड्स यूज होते दिखेंगे तो उसका टैग क्या बनाओगे, आप पॉजिटिव बनाओगे, यानी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे एग्जांपल, फ्यू पीपल ज्वाइन द मीटिंग, फ्यू पीपल, फ्यू मतलब बहुत कम ही लोग, कुछ ही लोग, मतलब ये खुद ही सेंटेंस में नेगेटिव बना दिया, तो इसका नॉट लास्ट में नहीं लगा सकते, मतलब कि यहाँ पे वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म, फ्यू पीपल सब्जेक्ट है ना, वर्ब सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर है, वर्ब का, तो ज्वाइंट एक सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मैंने इसके पहले ही बताया था, जब भी फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब डू लेंगे, वर्ब में एस और एस है तो हेल्पिंग वर्ब डज लेंगे, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड लेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिख रहा है ईडी ज्वाइंट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, डिड लेंगे, क्या लेंगे, डिड, तो यहाँ पे डिड, डिड, और फिर यहाँ पे फ्यू पीपल, फ्यू पीपल मतलब एक से ज्यादा है ना, कुछ ही है, मतलब ये प्लूरल में आएगा, तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, प्लूरल के लिए सब्जेक्ट हमेशा दे आता है, याद रखना, डिड दे। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन टैग का ये 9 ट्रिक पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा, इफ यू हैव अंडरस्टैंड इट प्लीज लाइक द वीडियो, एंड आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब किए लेकिन बेल आइकन को हिट करना ना भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे, दैट इज ऑल, थैंक यू, कीप शेयरिंग, बाय बाय।